पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, जागो प्यारे या जागो रात। ठीक है, अभी माँ हमने क्या यानी कि रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, माँ क्या कहती है बच्चे को, उठो बेटा आके खोलो, पानी लाई हूँ, मुँह धो ले लो। रात बीत गई है, कमल दल फूले हैं, उनके ऊपर भौरे भी झूले हैं। मीन्स बम्बल बीज आर फ्लाइंग ऑन द पेटल्स। उसके बाद चिड़िया चहक रही है, चिड़िया क्या कर रही है, ट्वीट कर रही है। चिड़िया मीन्स बर्ड ट्वीट कर रहे हैं। उठी पेड़ों पर, चिड़िया यानी कि बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और बहने लगी है हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छतरी पाई। क्या है, बहने लगी है हवाएं। व्हाट आई सेड, फ्लोइंग एयर एंड इट्स लुकिंग लाइक वेरी ब्यूटीफुल। एंड नभ में, इन द स्काई वी सॉ लवली व्हाट वी कॉल चार्मफुल स्काई। धरती ने प्यारी छतरी पाई, धरती मीन्स दिस वन अर्थ। अर्थ क्या है, धरती, जो धरती पे है वो प्यारी सी छतरी छाई। मीन्स जो धरती है उसके ऊपर जो है आकाश, वो छतरी जैसे दिख रहा है। यहाँ तक हमने सीखा था। अभी आगे हम तीसरा प्यारा सीखेंगे। देखिए, भोर हुआ सूरज ओ आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसे सुंदर समय ना खो मेरे प्यारे, अब तो मत सो। क्या कह रही है मम्मा, भोर हुआ सूरज उग आया। भोर मीन्स इन द मॉर्निंग सनराइज, यू वेक अप माय चाइल्ड, सन अराइज एंड यू वेक अप माय चाइल्ड। जल में पड़ी सुनहरी छाया, जल में मीन्स वाटर, इन द वाटर यू कैन से अर्ली इन द मॉर्निंग, वेर एवर वट एवर वेर एवर रिवर्स आर यू आर गोइंग, वेर एवर यू आर विजिटेड नियर बाय वाटर स्पॉट, यू कैन सी द इन द अर्ली मॉर्निंग सनराइज विल सनराइज होता है। तब आपको क्या दिखता है, सूरज की किरणें वहाँ पे कितने अच्छे से दिखाई देते हैं, उसमें सूरज का एक चमक रहता है। तो वहाँ पे पूरा पानी का जल में सुनहरी, यानी कि इट्स लुकिंग लाइक सिल्वर, सुनहरी गोल्डिश। सुबह का जो ये रहता है सूरज का, वहाँ पे थोड़ा पीले कलर का अच्छा दिखता है, दिखने के लिए एकदम सुंदर लगता है। जैसे कि सुनहरी छाया, सुनहरी मीन्स गोल्ड फिश, गोल्ड फिश जैसे कलर शैडो दिखता है। ऐसा सुंदर समय ना खो, ऐसा मीन्स लाइक दिस ब्यूटीफुल टाइम यू डोंट स्पेंड, ऐसा नहीं गवाना है, उसको नहीं लॉस्ट करना है। और मेरे प्यारे अब तो मत सो, मैं माई लिटिल बेबी और माई लिटिल चाइल्ड, नाउ यू डोंट स्लीप, गेट अप फ्रॉम द बेड, ही इज हर मदर इज सेइंग। ओके, नाउ यू नो वॉट इज द पोएम एंड वॉट इज द समरी ऑफ दैट पोएम। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन योर डिफिकल्ट वर्ड्स। मैं यहाँ पे अभी कठिन शब्द यहाँ पे लिखती हूँ, उसको आपको लिख कर लेना है। शब्द के अर्थ देखिए, यहाँ पे भोर यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, सूरज मीन्स सन, आया मीन्स कम, जल मीन्स वॉटर, सुनहरी मीन्स गोल्डिश, छाया मीन्स शेडो, समय मीन्स टाइम, खो खो मीन्स लॉस्ट या कि लूज यू कैन से, सो मीन्स स्लिप। ये हो गए डिफिकल्ट वर्ड्स। अभी क्या है, आपको क्या करना है, अभी मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे दूंगी कि यहाँ पद के कठिन शब्दों को अपने होमवर्क बुक में लिखिए, प्लस उसके जो प्रश्न उत्तर है, उसके जो प्रश्न उत्तर है वो आपको ढूंढ कर लिखने के लिए प्रयास करना है। प्रश्न उत्तर को ढूंढ कर लिखने के लिए प्रयास करना है। यदि नहीं आता है तो
पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स दिया है ताकि आपको प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए मदद हो जाए, ठीक है। ये रहेगा आज का होमवर्क और ये आज रहेगा पद। पद को पूरा एक बार पढ़िए और समझिए, आपको समझ में आएगा। और यहाँ डिफिकल्ट वर्ड्स को भी दो बार पढ़िए, उसको बार उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर को ढूंढने के लिए लिखने के लिए आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम यहाँ इस पद के प्रश्न उत्तर को हम यहाँ पे मैं लिखकर आपको दिखाऊंगी, वैसे ही आपको अपने क्लास वर्क में उतारना है। आज के लिए इतना ही, कल मैं यहाँ पे पूरा डिक्टेट कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।